जरा सोच कर देखिए, जिस देश में आप रहते हैं वहाँ की मिट्टी कम से कम उपजाऊ होती जा रही है, जिससे फसल उगाना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय राजधानी में रेतीले तूफान की हालत बनी हुई है और अब इस इलाके के जल्द ही रेगिस्तान बनने की आशंका है। मिट्टी का रेत बनना और मिट्टी का कटाव दोनों ही चिंता के विषय हैं। सोइल इज द हैबिटेट। मिट्टी ही वो जगह है जो अनगिनत जीवों का घर है। उन पनपते जीवों के कारण ही मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है। हमें खाना मिलता है, जानवर जिंदा रहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी अच्छी है। जब मिट्टी अच्छी नहीं रह जाएगी, यानी कई मायनों में आपने दुनिया को बर्बाद कर दिया है। हम कार्बन की बात करते हैं, वातावरण में मिलने वाली गंदगी और कई स्तरों पर होने वाले प्रदूषण की बातें करते हैं। इससे पहले हमें सबसे बड़ी परेशानी का समाधान खोजना होगा, क्योंकि दुनिया में एक गलतफहमी है। अभियान चलाकर नागरिक या सिविक मुद्दों को पर्यावरण के मुद्दे बनाकर पेश किया जा रहा है। आज अगर न्यूयॉर्क शहर में प्लास्टिक की थैलियां तैर रही हैं, तो ये पर्यावरण का नहीं बल्कि एक नागरिक मुद्दा है। अगर हमारी नदियां प्रदूषित हैं तो इसे ठीक किया जा सकता है। एक या दो सालों में अगर इसे साफ करने वाले जरूरी प्लांट्स लगाए जाएं और कानून लागू किए जाएं, तो ये नागरिक मुद्दे हैं जिन्हें कानून लागू करके और जागरूकता के साथ ठीक किया जा सकता है। But the real issue is soil. पर असल मुद्दा मिट्टी है। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के पास पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर 80 से 100 फसलों के लिए ही खेती की मिट्टी बची है, यानी हमारी खेती करने के लायक जमीन 45 से 60 सालों तक ही बचेगी। वो इसे मिट्टी का विनाश या अंत कह रहे हैं। आपने डायनासोर या डोडो के विनाश के बारे में सुना होगा, पर अब हम मिट्टी के विनाश की बातें कर रहे हैं। असली समस्या मिट्टी का गायब होना है, क्योंकि पिछले 30 सालों में 80% बायोमास कीड़े धरती से गायब हो गए हैं। 80%, ये आत्महत्या है। ये वाकई आत्महत्या है। तो 45 या 50 साल के बाद धरती पर भोजन का गंभीर संकट होगा। ये होना ही है। जब भोजन का संकट आएगा, तो जिसके पास सबसे बड़ी बंदूकें होंगी वो आकर भोजन ले जाएगा, और दुनिया भर में लोगों के लिए हम जो दुख और दर्द पैदा करेंगे, उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ गरीब मरेंगे, वो अमीरों को मारेंगे और अमीर मरेंगे। तो मैं चिंता पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये एक सच्चाई है जो हमारे इतिहास में कई बार हुई है, और एक बार फिर दुनिया के मुख्य वैज्ञानिक इसकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो हम इसका क्या करने वाले हैं? मिट्टी क्यों जा रही है, कहां जा रही है? देखिए, अगर आप रेत में कार्बनिक या ऑर्गेनिक सामग्री मिला दें तो मिट्टी बन जाती है, और मिट्टी से अगर कार्बनिक या ऑर्गेनिक सामग्री निकाल लें तो ये रेत बन जाती है। अगर आप वर्षावन में जाएं तो मिट्टी में जैविक सामग्री का स्तर 70% से ज्यादा होगा। आमतौर पर खेती की मिट्टी में जैविक सामग्री कम से कम 3 से 6% होनी चाहिए, तभी हम उसे मिट्टी कह सकते हैं। कम से कम 3%। पर आज उदाहरण के लिए भारत की 62% मिट्टी में जैविक सामग्री 0.5 या उससे भी कम है। तो वाकई हम रेगिस्तान बनने की कगार पर हैं। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ एक देश में नहीं। अमेरिका में जिस तरह से खरपतवार नाशी कीटनाशकों या पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है, हमें यह समझना होगा कि बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता का लगभग 82 से 86% मिट्टी के ऊपरी 12 इंचों में होता है। जब हम मशीनों से जुताई करते हैं, जैसे ट्रैक्टर 9 से 12 इंच की गहराई तक जुताई करता है और उसे खुला छोड़ देता है, इसका मतलब है हम जैव विविधता को बिल्कुल नष्ट कर रहे हैं। जैव विविधता यानी मिट्टी में मौजूद ह्यूमस। ह्यूमन शब्द ही ह्यूमस शब्द से बना है, यानी ये मिट्टी वाकई जीवित है। तो ये बहुत बहुत जरूरी है कि मिट्टी पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि अगर आप 30 से 40% भूमि को पेड़ की छाया में रखते हैं, खासकर उष्णकटिबंधीय या ट्रॉपिकल दुनिया में, तो जलवायु में बदलाव को आसानी से पलटा जा सकता है।
जमीन बस इसलिए गर्म होती जा रही है क्योंकि इसे जोता या पक्का कर दिया गया है। जमीन को पेड़ों से ढकना जरूरी है, चाहे जैसी भी प्राकृतिक घास, झाड़ियां, पेड़ जो भी हों, क्योंकि ये सब पर्यावरण की मदद करेंगे। और हमें यह भी समझना चाहिए कि मिट्टी एक बहुत जरूरी कार्बन सिंक है, और मिट्टी ही धरती पर सबसे ज्यादा पानी सोखती है। ये मिट्टी ही है जो सारे जीवों का आधार भी है। धरती के चारों ओर औसतन 36 से 39 इंच ऊपर की मिट्टी धरती के 87% जीवों का आधार है। बायोडायवर्सिटी को जिंदा रखना अभी यही वो चीज है जो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हमने अभी शुरू नहीं किया तो ये नहीं हो पाएगा। इसके एक हिस्से के रूप में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकजुट करने के लिए कॉन्शियस प्लैनेट नाम का एक अभियान चला रहे हैं। अभी तो ऐसा लगता है जैसे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और ये सब अमीरों और ऊंचे लोगों का खेल है। नहीं, हमें इसे बदलना होगा। हम जिस खतरे का सामना कर रहे हैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर पर हर इंसान को जागरूक होना होगा। पर्यावरण के मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनना होगा और राजनीतिक दलों को अपने घोषणा पत्र में पर्यावरण के मुद्दों को महत्व देना होगा। हमें पर्यावरण के मुद्दों के लिए चिंता करने वाली सरकारें चुननी होंगी। ऐसा होना जरूरी है। तो हम ये देख रहे हैं कि 192 देशों के लिए नीतिगत सिफारिश कैसे लाई जाए। ये रैली 21 मार्च को शुरू होगी, जो लंदन में इक्विनॉक्स यानी दिन और रात के बराबर होने का दिन है, और लंदन से एक अकेली मोटरसाइकिल 30,000 किलोमीटर की सवारी करते हुए 24 देशों से गुजरते हुए कावेरी बेसिन तक पहुंचेगी, जहां हम जमीनी काम कर रहे हैं। ये एक 83,000 वर्ग किलोमीटर बड़ी नदी घाटी है और वहां 52,00,000 किसान काम करते हैं। हमारा ये शरीर भी मिट्टी ही है। मिट्टी के समृद्ध और अच्छे हुए बिना ये शरीर और दूसरे जीव अच्छे से नहीं जी सकते। तो बात अगर पर्यावरण की है और जलवायु की है, सबसे जरूरी ये है कि हम कैसे अपनी मिट्टी को मैनेज करें, इसका कायाकल्प कैसे करें। हमें चाहिए कि हम इसे फिर से पहले जैसा बनाने के लिए जागरूकता लाएं। ये जागरूक दृष्टिकोण और जागरूक धरती बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है, और बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को शामिल किए बिना ये एक सच्चाई नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। ऐसा सिर्फ तभी होगा जब लोग ये कहेंगे कि यही वो चाहते हैं। तो आइए एक जागरूक धरती बनाएं, आइए इसे कर दिखाएं।